अच्छा हकीम साहब, नाफ लोगों को बड़ी पै जाती है ते बड़े बड़ा एक मसला बन जाता है आम लोगों को, साढ़े वर्गे जो जिन्हें पता नहीं है नाफ होंगी क्यों आ, तो यह इलाज की है, फिर रहनमाई फरमा दो। बड़े दोस्तों का सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफ हमेशा तो बल्कि अक्सर और बल्कि हमेशा जड़े कमज़ोर बंदे ने उन्होंने पैंदी है। कमज़ोर बीबियां होन, बच्चियां होन, बच्चे होन, बंदे होन, खास करके असाबी गुद्दी, असाबी अजलाती और अजलाती साबी, ये बंदे जड़े इन्हों पैंदी है, क्योंकि इन्हों का जिसम सारा तहलील हो गया होंदा है, कमज़ोर हो गया होंदा वेगा। इन्हां दी आंतां दी पकड़ जिहड़ी है अंदर जिहड़े बंधन ने गे वह कमज़ोर हो गए होंगे, आंतां भी कदी इधर ढिलकदियां कदी इधर ढिलकदियां फिरदियां। कमज़ोरी दी बिना दे उत्ते बंदे ने ज़रा कुछ ऊंच नीच पैर ही ऊंचा नीचा रख लिया है, पौड़ी चढ़न लगा है, कोई थलियां चीज़ पकड़न लगा है, या बच्चे नूं चुकन लगे है, नाफ पै जांदी है, क्योंकि कमज़ोरों दी आंतां ढिलियां होंदियां ने, आंतां दे बंधन जिहड़े ने रबातात या कनैक्टिव टिशू या उन्होंने बनने वाले अजलात जड़े ने उन्होंने कमज़ोर हो जाते हैं, फिर उन्होंने आसे पासे हो जाए, लिहाजा इन्होंने बंद चाहिए कि कुछ खाण पीने खाने की गिज़ा हैगी। इन्हों का असली इलाज वक्ती तौर पर नाफ से निकल जाती हैगी। नाफ कढ़ने का तरीका है कि जो किसी को पै गई हैगी तो बंदे को उल्टा करके लिटाओ, उसकी पहले एक लत पीछे मोड़ के लियाओ, फिर दूस उन्हें छोड़ दियो, दूसरी नूं लियाओ वो भी पीछे लगाएं, उसके जिस्म के साथ लगा दें, फिर उसको भी छोड़ दें, दोनों टांगों को कट्ठी मिला के अपने उनके चूड़ों के साथ लगा दें तो इंशाल्लाह निकल जाएगी। एक दफ़ा ना निकले दूसरी दफ़ा निकल ही जानी है। ये तो है वक्ती, चुक भी इस तरह ही निकल जाती है। अगर चुक किसी में पै गई है, कमर के दर्द आ गई है, तो चुक भी इस तरह ही निकल जाती है। लेकिन यदा असल इलाज है कि वो जिसम वो बंदे के जिसम इंप्रूव किया जाए, वो गजाइत वो जो मस्कुलर टिशू ने उन्होंने मजबूत किया जाए। वो वास्ते है कि जोड़े गुद्दी असाबी गुद्दी बंदे ने गे वो जिसम तहरील हो चुकया होंगे, उन्होंने कसरत ना इतलाम हो के हैदराबाद कसरत ना इतलाम हो के तहलील हो गए होंगे। इस तरह जी अजलाती साबी होंगी उन्हों का भी कसरत ना इतलाम हो के वह भी तहलील हो, जो असाबी गुद्दी होंगे ना वो बल्कि सुरत के मरीज़ हो गए होंगे, जलक के मरीज़ हो गए होंगे, उन्होंने इस वास्ते तहलील हो गई होंगी है। जोड़े असाबी गुद्दी ने उन्होंने भी गिज़ा जी है दही वाली हल्की जी खटास वाली रख के दी जाए, अजलाती साबी की तरफ माइल रख के दी जाए। जड़े बंदे असाबी गुद्दी हो गए हैं अजराती साबी की तरफ मायल रख के, यानी खुश्क सर्द सर्द खुश्क गिज़ा उन्होंने दी जाए, वो की होएगा कि उन्होंने अजलात नूं तकवीयत मिलेगी, दिल नूं तकवीयत मिलेगी, मस्कुलर टिश्क तहलील तहरीक होएगी, तो ताकत आएंगे, फिर गिज़ा हजम भी होने लग पी अजलातीयत दे नाल अजलाती हारमोन या खमीरे सादा जे लफ्ज़ां च दसो ना बंदे तार गर्म ने या सफेद रंग दे अक्सर होंदे ने, ते सफेद रंग दे सुकड़ जांदे ने गे जिसम हाथ लाने तो अक्सर ठंडा ही लगता है, लेकिन नरमो नाजुक होए होंगे ने, उन्होंने असी कहने तर गर्म या बहुत उन्होंने असाबी गुद्दी कह देने गे। वो बंद वास्ते ये है कि उन्होंने चीज़ा चाहिए ने जिड़िया थोड़िया जी खटास वाली हो, मसलन दही हो गया या गोश्त सब्जी गोश्त पका गोश्त पकाने दही पा के पका या लीमू पा के पका, फिर उन्होंने हजम भी होएगा, अक्सर इन्हों मोशन भी लग जाते कोई गोश्त खाने तो मोशन भी लग जाते, हजम नहीं होंगे, हल्की जी खटास होगी तो फिर हजम कर लग पैणगे।
जिहड़े दीगर मसाले ने अजकल बीबियां बड़ी मज़ेदार भी खाने बना लैंदियां ने, टमाटर पा लईदे ने, दीगर कोई चीज़ां पा लईदियां ने, थोड़ा जिहा अचार नहीं ते पा दिओ कोई भी खटास जिहदे नाल हल्की जी होवे, तेज़ ना होवे, उहदे नाल आत्मा खुलेगा, फिर वह आस्ता आस्ता फरबा होने लग पैणगे, मोटे होने लग पैणगे, फिर उन्हां दी वो नाफ भी पैणो हट जाएगी, यानी उन्हां दी कूद वधेगी। जिहड़े दूसरे ने सर्द खुशकी दे नाल हुंदे नेगे उहनां बंदियां वास्ते उन्हां नूं खुशक गर्म गर्म खुशक गिज़ावां दी जरूरत हुंदी है, ताकि उन्हां दा अगला स्टैप जिहड़ा वो ठीक होवे। उन्हां दी की शै खानी चाहीदी? उन्हां नूं गोश्त खाना चाहिए, सब्ज़ी गोश्त भुनिया तलिया भी खा जाण, सब्ज़ी गोश्त भी खा जाण, और विच देसी घ्यो वाफर रखणगे, जिवें रखणगे उन्हां दी तबीयत अगे वधेगी, वह भी दही लैणगे। उन्हां नूं खटास ही चाहीदी है, लेकिन ज़रा उहदा स्टैप अगे वाला है कि वह भुनिया तलिया चीज़ां भी खा सकदे पहले दी निस्बत। इन्हां दा भी तबीयत जिहड़े जोर आएगा, कुवत बढ़ेगी, जिहड़े मस्कूलर टिशू ने कम ताकत विच आउणगे, तो फिर नाफ पैनी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।